हेलो अच्छो, हाउ आर यू। चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं, आरडी शर्मा। आज हम लोग सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर कंप्लीशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर कंप्लीशन मेथड में क्या करेंगे, जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाकर हमें सोल्व करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इसमें सबसे पहले क्या रूल है, हम क्या करेंगे आपको कि कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग करेंगे। कांस्टेंट लेफ्ट साइड, वेरिएबल लेफ्ट में रहेगा और कांस्टेंट राइट साइड में। दैट इज को रीअरेंज किए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। कॉन्स्टेंट टू द राइट एंड वेरिएबल टू द लेफ्ट। वेरिएबल लेफ्ट में हो गया, कॉन्स्टेंट राइट साइड में चला गया। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर का चूंकि मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर नंबर भी हो सकता है और स्क्वायर नंबर नहीं भी हो सकता है। मीन्स 3x² दे दिया, 5x² है, 6x² है, कोई आवश्यक नहीं कि वह स्क्वायर नंबर ही हो। तो उसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है इससे डिवाइड कर देंगे इच टर्म्स को। कारण डिवाइडिंग डिवाइडिंग इच टर्म्स ऑन बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड कीजिए। दैट इज हो गया ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ए से एक्स कैंसिल, यानी आपका फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब ध्यान रखिए कि यहां पर ये जो टर्म आता है, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पर आइए, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस इसका थर्ड टर्म क्या होगा, यानी फॉर्मूला तो नहीं, एक्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी टू ए बी के जगह पर बी अपॉन ए एक्स, टू ए बी के जगह पर टू ए बी, ए हो गया एक्स, बी ए हो गया, यानी बी तो ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है टू ए बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो अब टू ए बी को पहले ए बी के फॉर्म में लाएंगे, तो दैट इज हम क्या करेंगे कि ऑन ऑन एडिंग एडिंग क्या बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ऐसे समझते हैं क्या होगा, यहां टू ए बी आता है, ए तो दिया हुआ है, टू ए बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए है। देखिए टू ए बी इज इक्वल टू क्या बी अपॉन ए एक्स, ए के जगह पर क्या एक्स दिया हुआ है, तो कहेंगे टू एक्स बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स। यहां से एक कैंसिल, दैट इज टू बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, दैट इज बी के जगह पर क्या आ गया बी अपॉन टू ए, तो यहां से आ गया बी अपॉन टू ए। लेकिन आर क्या करना है, स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट्स व्हाई इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। इस तरफ ऐड किए तो उस साइड भी ऐड कीजिए, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। क्लियर, दैट इज इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया सी अपॉन ए, सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस सी अपॉन ए। अब इसको सोल्व करके फिर हम आगे स्क्वायर निकाल, आगे रूट निकाल लेते हैं, राइट। तो यहां से ही सॉल्यूशन आपको निकल जाएगा, यहां से अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको हम कंसेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप और चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। दैट इज क्या हो गया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब फोर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया
बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी आ गया, बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए सी दैट इज एक्स प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट तो हो गया बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन यहाँ टू ए आ गया तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से देखिए फॉर्मूला आ गया क्वाड्रेटिक का दैट इज क्या आ गया एक्स प्लस ये है ना बी अपॉन ए इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए प्लस का उल्टा माइनस किया उस साइड तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्लस इसका हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए है ना बी अपॉन टू ए टू ए तो टू ए एलसीएम ले लिए तो एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसी फार्मूला को हम अब यूज करेंगे यहां से ये हमारा रूट कंप्लीशन मेथड से ये फार्मूला आ गया राइट चलिए अब हम एक क्वेश्चन को रूट कंप्लीशन मेथड से सोल्व करेंगे यहां से ये आपका डिस्क्रिमिनेंट से ये फार्मूला आपका आ गया चलिए अब देखते हैं अगला एक क्वेश्चन लेकर सोल्व करते हैं जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² - 15x + 6 9x² - 15x + 6 = 0 अब हमें इसे रूट कंप्लीशन मेथड से सोल्व करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे कांस्टेंट को राइट साइड में ले गए 9x² - 15x = सेकेंड स्टेप में क्या बोले थे एक्स स्क्वायर का के कोएफिशिएंट सबको डिवाइड कर दीजिए दैट इज 9x² / 9 माइनस 15x / 9 इज इक्वल टू माइनस 6/9 आ गया यहाँ से 9 कैंसिल 3 5 = 15 और 3 3 = 9 3 2 = 6 और 3 3 = 9 यानी क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इज इक्वल टू माइनस 2/3 अब क्या करना है इसका हाफ जो बीच का मिडिल टर्म है इसको एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है क्या ऐड करना है इसका हाफ यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 तो लिख दिए ना इसका हाफ कितना हो गया तो 5/6 का स्क्वायर ऐड करना है माइनस 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर अभी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी लिख दिए एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2/3 प्लस कितना 5 का 25/36 क्लियर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया एलसीएम 36 ले लिया आपने माइनस 24 प्लस 25 दैट इज एक्स माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/36 अब स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट तो एक्स माइनस 5/6 इज इक्वल टू जब स्क्वायर रूट डालेंगे तो प्लस माइनस कर देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो रूट होगा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो प्लस माइनस 1/36 दैट इज एक्स माइनस 5/6 इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1/6 अब माइनस 5/6 राइट साइड में गया तो क्या हो गया प्लस में 5/6 प्लस माइनस 1/6 एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस दैट इज एक्स इक्वल टू क्या आ गया 5/6/6 1 और एक्स इक्वल टू आ गया 4/6 2/3 यानी आंसर है 1 and 2/3 एनी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सी है अगेन ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है ठीक है चलिए मिटा दें नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको समझने का प्रयास करते हैं
नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए हम 3-4 क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आराम से उसको समझिए, करना कुछ नहीं है, ट्रिक्स समझिए, ट्रिक्स में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या कर देना है कि आपको इसका कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाइए, 2x² - 5x = -3। अब क्या करें, पहले x² का जो कोएफिशिएंट है इससे सबको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया 2x² / 2 - 5x / 2 = -3। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया x² - 5x / 2 = -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में चलिए इसका स्टेप भी लिख देते हैं। इसका क्या हो गया कि डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² है ना, इसमें क्या कर देंगे कि एड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब समझे 5x / 2 यानी इसका कोएफिशिएंट 5/2 है, इसका हाफ तो क्या हो गया 5/2x तो हो गया ना, इसका हाफ कितना हो गया 5/4 होल स्क्वायर = -3 + 5/4 होल स्क्वायर। दैट इज क्या हो गया, ये a² - 2ab + b² तो हो गया x - 5/4 होल स्क्वायर = 3 + 5² = 25 + 4² = 60 - 3। दैट इज x - 5/4 होल स्क्वायर = LCM 16 16 3 = 48 + 25। दैट इज क्या हो गया x - 5/4 होल स्क्वायर = कितना हो गया 23/16। क्लियर, 23/16 तो कितना आ गया 24, दैट इज 1/16। दैट इज अब क्या करें, स्क्वायर को उल्टा स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आर डी शर्मा डायरेक्ट क्वेश्चन बुक्स के, आप इन्हें देख लीजिएगा और अगर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है दैट जस्ट यू हैव टू कमेंट सो दैट उसके सॉल्यूशंस मैं डिटेल्स बता सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं 16x² = 24x + 1। 16x² = 24x + 1। क्या करना है आपको, वेरिएबल्स टू द लेफ्ट कॉन्स्टेंट टू द राइट रीअरेंज करते हैं, तो क्या होगा 16x² - 24x = 1। अब क्या करना है, इस टर्म को x² के मल्टीपल से कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, दैट इज क्या हो गया x² 16x² / 16 - 24x / 16 = 1/16। 16 कैंसिल, 8 3 = 24 8 2 = 16। x² - 3x / 2 = 1/16। नेक्स्ट क्या करना है, x के मल्टीपल का हाफ का स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, x² - 3x / 2 यहां से x हटा लीजिए तो इसका हाफ कितना हो गया 3/4 इसका स्क्वायर, यहां भी कर दीजिए 1/16 + 3/4 का स्क्वायर,
दैट इज क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 प्लस 3 3 9 अपॉन 16, एक्स प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 16 एल सी एम 1 प्लस 9, एक्स प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन 16, दैट इज अब क्या स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, एक्स प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 10 अपॉन 16, एक्स प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट 10 अपॉन 4 प्लस माइनस, तो अब क्या करेंगे 3 अपॉन 4 राइट साइड में गया तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 प्लस माइनस रूट 10 अपॉन 4, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 10 अपॉन 4, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 10 अपॉन 4 एंड माइनस 3 माइनस रूट 10 अपॉन 4, व्हाट इज सम, एनी डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 8 रूट 3, देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एंड इफ यू ट्राई टू डू देन यू कैन इजिली डू ऑल द सम्स, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 8 रूट 3, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, वेरिएबल टू द लेफ्ट कॉन्स्टेंट टू द राइट, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स इज इक्वल टू 8 रूट 3, अब क्या करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड करना है, सो रूट थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 3 प्लस 10 एक्स अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 8 रूट 3 अपॉन रूट 3, दैट इज लिख सकते हैं ना रूट 3 रूट 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 रूट 3 कैंसिल 8, नेक्स्ट टर्म में क्या करना है बीच वाले टर्म के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स अपॉन रूट 3 ऐड कीजिए 10 अपॉन 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, 8 प्लस 10 अपॉन 2 रूट 3 का होल स्क्वायर दैट इज 5 अपॉन रूट 3 हो गया, तो गया क्या एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 3, राइट दैट इज एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एल सी एम 8 3 या 24 प्लस 25 दैट इज एक्स 8 एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, सो x प्लस 5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 3 दैट इज x प्लस 5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, अब कॉन्स्टेंट राइट साइड में गया तो प्लस का माइनस 5 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 दैट इज x इक्वल टू एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1 दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन रूट 3 एंड माइनस 6 अपॉन रूट 3 दैट इज द आंसर, देयर इज अ प्रॉब्लम, Uh-huh.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज से 2x² + 5√3x + 6=0। 2x² + 5√3x + 6=0। पैरेंटल स्टेप क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टू द राइट, 2x² + 5√3x = -6। उसके बाद डिवाइड ऑल टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x² + 5√3x = -6/2, 3 2 2 2 कैंसिल, आ गया x² - 5√3x = -3। अब क्या करना है, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, x² - 5√3x / 2 + 5√3/4√3/4। दैट इज क्या हो गया, x यहां माइनस है तो -5√3/4 का होल स्क्वायर = 3 + 5 का 5 5 = 25 25 3 = 75 / 4 4 = 16। x - 5√3/4 का होल स्क्वायर = 16 LCM -48 + 75। That is x - 5√3/4 whole square = 37/16।